हेलो एंड वेलकम, आप लोगों का स्वागत है मल्टीवर्कर हंटर के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HBL पावर सिस्टम के बारे में। और ये स्टॉक फिलहाल बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग जानते हैं उन लोगों ने अच्छा इन्जॉय भी किया होगा रनअप। और अभी फिलहाल इस कंपनी की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं ओवरव्यू देते हैं इस कंपनी के बारे में। अभी हम फंडामेंटल सारी चीज़ें देखने वाले हैं, उसके बाद टेक्निकल पे हम इसके चार्ट्स देखेंगे और क्या पोजीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, या आपको ये स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, पहला बेसिक्स क्लियर करते हैं। बेसिक है, मार्केट कैप है 2906 करोड़ का, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आ चुका है। और कंपनी छोटी ही है और मार्केट कैप से आपने देखा होगा कि यहाँ पे मार्केट कैप अच्छा खासा मिड स्मॉल साइज मार्केट कैप है, जिसमें आपका अच्छा पैसा बन सकता है इन फ्यूचर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो। बिकॉज मार्केट कैप छोटा है तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए एज पर शेयर वाइज बहुत अच्छी हो सकती है। करंट वैल्यू की बात करें 105 रुपये के आस 100 रुपये के आसपास का अंडर स्टॉक है ये। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 31 की निकल के आती है। ऑल टाइम हाई जो 52 हाई था वो है 122 का। डिविडेंड भी देती है कंपनी, 0.37% का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे कंपनी का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। OPM की बात करें 12% का OPM है। सेल्स ग्रोथ जो पिछले साल आई थी वो 29% थी और उसी साल प्रॉफिट जो हुआ था 152% की तरफ से हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला था। डेप्थ इक्विटी की बात करें 0.007 यानी 62 करोड़ का मात्र डेप्थ है कंपनी के पास। और अगर बात करें रिजर्व्स में 838 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हैं बैंक्स में। अगर बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर्स की 59% की होल्डिंग है, बहुत ही बेहतरीन है। अगर 50% के ऊपर की होल्डिंग अच्छी मानी जाती है किसी भी प्रमोटर्स होल्डिंग में। बात करें इंडस्ट्री पी 73 का है, लेकिन वहीं पे स्टॉक का पी 30 का है। हालांकि मैं 20 के ऊपर का पी स्टॉक मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन इस कुछ कुछ कंडीशन होते हैं जहां पे आपको करने होते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री पी 70 का है, इंडस्ट्री के अंदर पी की ग्रोथ में भी अच्छा खासा कंपनी के पास ग्रोथ है, अपहेड बहुत अच्छा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेल्स के ऊपर मार्केट कैप कंपेरिजन में, तो मार्केट कैप और सेल्स ऑलमोस्ट इक्वली है। 1325 करोड़ के सेल्स कंपनी ने पिछले साल दिखाए थे, उसी के अगेंस्ट में मार्केट कैप सिर्फ 3000 करोड़ का मार्केट कैप। बात करते हैं यहाँ पे चार्ट की, जो चार्ट मैंने आपको जैसे बोला ये अच्छा चार्ट मेरे को नहीं है, प्राइस वाइज अच्छा चार्ट नहीं है, लेकिन स्टॉक फंडामेंटली वाइज बहुत ही बेहतरीन है और अभी भी अंडर वैल्यूड लगता है। बात करें यहाँ से चार्ट का, जो ऑल टाइम हाई अभी यहाँ पे बनाया था 114 का, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन चल रही है जो कि यहाँ पे पहले भी चलती थी। यहाँ पे अभी फिलहाल चार्ट पे टेक्निकल चार्ट पे हम यहाँ पे वीडियो में आएंगे पार्ट में, लेकिन उससे पहले फंडामेंटल चेक कर लेते हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पे आपको बता दूँ कंपनी क्या करती है। सबसे पहले आप यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा की पॉइंट्स के अंदर बैटरी वेंचर जो है कंपनी का, जिसकी बैटरी और बनाती है मैन्युफैक्चर करती है, उसके अंदर 76% का रेवेन्यू आता है। और रेलवे इलेक्ट्रिकल से 11% का रेवेन्यू आता है, उसके बाद डिफेंस से 11% का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी आके लाके देती है। अभी ये सारे ब्रेकडाउन है जिसमें अंदर डिफेंस और रेलवे दोनों ही एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आते हैं। उसके बाद बैटरी भी जहाँ पे सप्लाई की जाती है कंपनी द्वारा, वो भी एक गवर्नमेंट सेक्टर ही है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी फॉर टेलीकॉम UPS रेलवे सोलर ऑयल एंड गैस पावर सेक्टर्स। तो ये जितने भी सेक्टर्स है यहाँ पे कंपनी अपने बैटरीज वेंचर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ बैटरीज लगती है जो कि कंपनी प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है और डिलीवर करती है क्लाइंट्स को। अगर बात करें तो आपको ओवरऑल समझ आ गया होगा कि ये पूरी तरीके से ड्राई सेल यानी बैटरी के अंदर यहाँ पे कंपनी काम कर रही है। इन फ्यूचर हमारा सोलर का जो प्लान है, जो इंडिया सोलर प्रूफ बनना चाहता है, इलेक्ट्रिसिटी से डिपेंडेंस कम करने के लिए, कोल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कम करने के लिए यहाँ पे हमें सोलर की जरूरत होगी। सोलर के अंदर डायरेक्टली हमें बैटरीज की जरूरत होती ही है, अदरवाइज आपका जो सोलर है वो सिर्फ और सिर्फ डे लाइट पे ही काम करता है। तो यहाँ पे बैटरीज का बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है फ्यूचर में। और इंडिया अभी इतनी बड़ी इंडिया की इकोनॉमी है जहाँ पे बैटरीज जितनी भी कंपनियाँ बनाए उस सब के लिए विन विन सिचुएशन होती है, और विन विन सिचुएशन होगी और सभी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीजली बहुत अच्छे मार्जिन से बेच सकते हैं। अगर बात करें तो कंपनी जो रिजल्ट्स है, फिलहाल रिजल्ट्स 11 तारीख को आने वाले हैं, मैं वीडियो 10 तारीख को बना रहा हूँ, तो रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हैं कंपनी का। वॉचलिस्ट में डालने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप वेट करें, अगले दिन रिजल्ट्स देखें, खुद कंपेरिजन करें कि आखिर रिजल्ट कैसा है। 320 करोड़ का लास्ट सेल्स था, उसके अंदर 11% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था जो कि हमें कन्वर्ट होकर मिला। 20 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला। पिछले क्वार्टर से अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ ये अगर मैं बात करूँ क्वार्टर का, अगर ईयर और ईयर बेसिस पे, तो वहाँ पे एक फ्लैट हमें रेवेन्यू नीचे की साइड प्रॉफिट देखने को मिला था। अगर बात करें प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो लास्ट ईयर जो हमने बताया 1236 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, 94 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया था। TTM की बात करें तो 1325 करोड़ का सेल्स हो चुका है और 93 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, यानी इससे अच्छा रिजल्ट आने वाला है।
बात करें यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो बैलेंस शीट, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आगे रेशियो के दिखा दें तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो लगता है कंपनी को 193 डेज अभी लग रहा है। साइकिल लंबा है लेकिन जहाँ पे ऑपरेट करती है जैसे कि मैंने आपको बताया डिफेंस, रेलवे, तो ये दोनों ही गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ से जो पैसा मिलने में टाइम लगता ही है, चाहे कोई भी कंपनी हो किसी भी सेक्टर की, गवर्नमेंट से पैसा लेना थोड़ा रिस्क ही रहता है। बिजनेस अगर आप गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो तो आपका ये जो कैश का नजर साइकिल है ये ज़्यादा होता ही है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 57% से स्टार्ट था कंपनी का 2019 के अंदर, अभी की बात करें करेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर सितंबर की तो 58 करोड़ के आसपास, 58% के आसपास का कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है। अब प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे मेनली ये दो कंपनियाँ थी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 51% का जो खुद की होल्डिंग कंपनी है, उसके बाद यहाँ पे दो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है जो प्रमोटर्स है इसके अंदर उनकी होल्डिंग्स है। बात करें एफ आई एस डी आई एस की तो एफ आई एस इसके अंदर जो थे लास्ट ईयर यहाँ पे निकलते हुए नजर आए हैं, यानी जून लास्ट क्वार्टर यहाँ पे निकलते हुए आए हैं। अभी फिलहाल एफ आई एस की कुल क्वांटिटी है 1.5% के आसपास की पूरी एफ आई एस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। डी आई एस की बात करें, डी आई एस भी यहाँ से निकलती हुई नजर आई है 9.3% से अभी 3.5% की डी आई एस होल्डिंग यहाँ पे होती हुई नजर आई है, जिसमें से एक मेजर डी आई एस था जिनमें जॉइंट वेंचर था यहाँ पे कंपनी का। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर जब होते हैं तो डी आई एस एफ आई एस दोनों आते हैं, और जब जॉइंट वेंचर खत्म हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है टेक्नोलॉजी या जो भी प्लेटफॉर्म होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, वहाँ से कंपनियाँ निकल जाती है, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न छोड़ देती है, और ये पैटर्न कंपनी एक्वायर करती है या पब्लिक एक्वायर कर लेती है। बात करें पब्लिक होल्डिंग तो 35% की होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सब चीज़ ऑल द गुड है। अब यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल पार्ट की, जो टेक्निकल हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी के रिजल्ट कल के दिन आने वाले हैं, तो आज के दिन अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कल के दिन आप इसके रिजल्ट जरूर ट्रैक कीजिए। यहाँ पे अगर बात करें तो अभी कंपनी के जो लास्ट अगर बॉटम की बात करें तो हमारा बॉटम यहाँ पे हमें देखने को मिला था जो कि मार्च के अंदर लगा था, उसके बाद से नोवे लुक अभी यहाँ पे लगातार तरीके से अपसाइड मोमेंटम है और अच्छा रिटर्न यहाँ पे कमा के जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला जिन्होंने कंपनी को पहले आइडेंटिफाई किया था, जिन्हें पता था पहले कंपनी है, वहाँ पे इन्होंने अच्छा पैसा कमाया। आपने 30 रुपीज़ पे भी खरीदा होगा तो आपको ऑलमोस्ट डबल से ऊपर का प्रॉफिट यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं अभी स्टॉक के अंदर क्या कर सकते हैं, क्या सिचुएशन है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे हैं, प्रमोटर्स अच्छे हैं और कंपनी अच्छी है। जैसे कि मैंने बताया आप एक बार कंपनी की वेबसाइट पर जरूर जाइएगा, वहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि रेलवे इलेक्ट्रिक में जो भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है वो क्या है, और उसके बाद बैटरीज, उसके बाद ई मोबाइल में बैटरीज जो रखती है, डिफेंस के अंदर जो बैटरी यूज होती है, जो भी टूल्स होते हैं डिफेंस के, रॉकेट्स और सिस्टम्स जो चलाने की मदद करता है वो बैटरी से ही चलता है ऑल द वे। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो बैटरीज वहाँ पर कहाँ कहाँ यूज़ होती है, उसके बाद जो भी प्लांट्स है जिसमें बैटरी स्टोरेज की कैपेसिटी लगाता है कंपनी, जो कि हो गया सोलर प्लांट मेनली, तो वहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के अंदर, तो आप वो यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं। बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये विजन कैसा रहेगा स्टॉक का, बिल्कुल अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूँ तो पी एक जस्टिफाइड पी लगता है मुझे, लेकिन स्टॉक का थोड़ा प्राइस मूवमेंट हमें ऊपर की साइड देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप लेना चाहें तो अभी ले सकते हैं, रिक्स आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि इस स्टॉक के अंदर आप एसआईपी कर सकते हो, एसआईपी कीजिए और इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी भी स्टॉक में अच्छी खासी रैली हो रही है या चल रही है उसके अंदर आपको किसी तरीके का कोई मतलब नहीं बनता कि आप लमसम किसी भी तरीके का कितना भी परसेंट अमाउंट इन्वेस्ट करें। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि 100% का 25% कर, तो मैं भी पहले बोलता था, लेकिन वो ऐसे स्टॉक्स के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी करेक्शन है, यहाँ पे मुझे किसी तरीके की कोई करेक्शन नहीं नज़र आ रही है। तो जब तक करेक्शन नहीं है, जब तक आप इसके अंदर 500,000, 2,000, 5,000 जितनी मर्जी की आपकी SIP हो सके वहाँ पे SIP कीजिए। यहाँ पे हर मंथ, हर टू या एवरी क्वार्टर आप इसके अंदर SIP कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा की SIP करना चाहते हैं तो क्वार्टरली SIP कीजिए रिजल्ट्स की देख के, अगर आप छोटी SIP कर रहे हैं तो मंथली SIP कीजिए आप यहाँ पे। और उसके बाद अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये होती है ये अपॉर्चुनिटी की, जो आपको डाउनसाइड स्टॉक आया और एक आपको यहाँ पे मौका मिला, तो आप यहाँ पे पूरे इतने लंबा समय फेस होता है करीबन एक महीने के आसपास, वहाँ पे ऐड कीजिए, वापस से एक रैली का एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको कभी भी 20-25-30% की करेक्शन मिलती है वहाँ पे आप लमसम लगा सकते हो, लेकिन अगर कोई करेक्शन ही नहीं है, अगर आप नीचे से देखें तो किसी तरीके की कोई करेक्शन ही नहीं है, तो आपको एज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा SIP करनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि आपको कब करेक्शन का मौका मिले और आप इस कंपनियों में, ऐसी कंपनियों में
इन्वेस्ट कर सके एक गुड अमाउंट। तो आज की वीडियो यही थी, आज की वीडियो में यही था कि आपको HBL पावर के अंदर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले आपको मैंने बताया फंडामेंटल अच्छा है और फ्यूचर प्रूफ बिजनेस है, फ्यूचर में और भी बिजनेस बढ़ने ही वाला है। मार्केट कैप छोटा है जिससे बहुत बड़ा हेडरूम है कि कंपनी का स्टॉक आपको एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि इंडस्ट्री पी हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री पी है, लेकिन उसके कंपेरिजन में हमारा स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 30 के इंडस्ट्री पी पे चलता है। तो यहाँ पे एक और हेडरूम है कि यहाँ पे आपके पास अच्छा मौका हो सकता है अगर आप स्टॉक लेते हो तो स्टॉक के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का। तो आज की वीडियो यही थी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाले वीडियोस में हम और भी स्टॉक्स लेके आएंगे जो कि आपको नहीं पता होंगे या पता भी होंगे तो आपने रिसर्च नहीं की होगी, हम आपके लिए रिसर्च करके लेके आते हैं। तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे किसी और मल्टीबैगर स्टॉक के साथ। और आज की वीडियो के लिए यही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।